सरकार में यहां पर अपने सहयोगी दलों को जगह दी जा सकती है। एक बार फिर से यहां पर जो कैबिनेट में चेंजेस की सुगबुगाहट है वो तेज होती नजर आ रही है। यहां पर केवल रिपब्लिकन पार्टी से रामदास अठावले राजमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों में अभी 5 मंत्रियों के पास 3-3 मंत्रालय, और ऐसे में यहां पर अब बड़ा फेरबदल जो है वो हो सकता है। यहां पर थोड़े चेंजेस जो है वो कैबिनेट, मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं। फेरबदल की सुगबुगाहट यहां पर है। जेडीयू और शिंदे गुट को मिल सकती है जगह यहां पर। ज्यादा सरकार में अभी सहयोगी दलों से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, केवल रिपब्लिकन पार्टी से रामदास अठावले ही राज्यमंत्री है। ऐसे में यहां पर केंद्रीय मंत्रियों के पास 3-3 मंत्रालय है, और ऐसे में हो सकता है यहां पर सहयोगियों को बंटवारे के तौर पर विभागों को देने का काम। स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, केंद्रीय जो कैबिनेट है उसमें बदलाव की सुगबुगाहट है, शिंदे गुट हो या जेडीयू हो, कहा जा रहा सहयोगियों को अब जगह मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए कई पद जो हैं इस वक्त खाली हुए हैं, और इसके साथ ही जो है एक मंत्री के पास कई मंत्रालय है, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किसी भी वक्त हो सकता है, और सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। चूंकि आरसीपी सिंह जो है इस वक्त वो भी बताया जा रहा है कि उनको भी मौका मिल सकता है। इसके साथ ही जो शिंदे गुट है, अभी हम सब ने देखा कि हाल में ही महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल हुआ, और उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। ऐसे में जो बातचीत हुई होगी आपस में, कई तरह की चीजें हुई होगी, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि जब केंद्रीय कैबिनेट की फेरबदल होगी तो उसमें शिंदे गुट को भी मौका मिल सकता है, यानी मंत्री बनाया जा सकता है। एक से दो लोगों को बताया जा रहा है कि केंद्र कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हाँ। वहीं आरसीपी सिंह को भी बताया जा रहा है कि केंद्र कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कितनी जल्दी जो है मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, और एकनाथ शिंदे जो गुट है उसमें से कितने लोगों को कैबिनेट में जगह मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है स्वाति, यहाँ पर देखना होगा किस किस दल से किस किस को यहाँ पर साथ लेकर चलेगी कैबिनेट यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल ये कब तक कहा जा रहा है कि बदलाव संभव है। देखिए बताया जा रहा है कि जो है अगस्त महीने के अंतिम दिनों में, 15 अगस्त के बाद ही बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकते हैं, और कई जो शिंदे गुट के हो या फिर और भी जो सहयोगी पार्टी है उनको जगह कैबिनेट में मिल सकती है। लेकिन अब वही देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट में जो सहयोगी पार्टी है एनडीए की, उनमें से किस किस को जगह मोदी कैबिनेट में मिल पाती है, और कौन से मंत्रालय होंगे जिसमें जगह मिलेगी। चूंकि कई मंत्रालय हैं जो एक मंत्री के पास 3 से 4 मंत्रालय है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि उन्हीं मंत्रालयों में से बांटा जाए, या फिर मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है उनका भी जगह इस वक्त जो है वो खाली है, तो उसमें भी बनाया जा सकता है सहयोगी पार्टी को। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब विस्तार किया जाए, फेरबदल होगा, तो उसमें कौन कौन से सहयोगी पार्टी है जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई